राम राम इशारा ने। और आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। आज है स्पेशल ब्लॉग। अगर आपको बनाने शोल्डर तो मैं तीन एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगा सिर्फ, और टॉप सीक्रेट एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स करते हैं, और हमने जितना सीखा है जैसे कि विपिन भाई से इन सबसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो सीक्रेट टिप्स के आपके शोल्डर को कैसे आप लीन गेन कर सकते हैं। मैं सारी अभी जो ब्लॉग्स डाल रहा हूँ वो सारे के सारे लीन गेनिंग पे, क्योंकि अभी ये देखो भाई थोड़ा सा ना खराब हो गया मामला, और अब आपके आगे फिट करके दिखाऊंगा दोबारा। तो चलो पहले वर्कआउट पे चलते हैं। पहला वर्कआउट लेना है थोड़ा सा शोल्डर से वाइड ग्रिप पकड़ के आपको, और यहाँ कोनिया ऐसे नहीं रखनी है ऐसे, और दिस इज फर्स्ट वर्कआउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से बिहाइंड नेक एंड फ्रंट बारबल आपको इकट्ठे कंबाइंड करनी है, और बीच बीच में देना है पोज। अभी मिलते हैं हम, ये एक वर्कआउट है, अभी चलते हैं सेकंड वर्कआउट पे। तो भाई ईव लेवेंगे सेकंड वर्कआउट, और कंबाइंड वर्कआउट है ये, दिस इज द बेस्ट वर्कआउट। शोल्डर की ब्रॉडनेस से आपको पकड़ना है बाहर करके ग्रिप, शख्स लेना है, और शख्स के साथ आपको लेना है फेस पुल। शख्स के साथ में अगर आप फेस पुल लेते हैं, अभी मेरे शोल्डर की पीछे से इफेक्टनेस देखिए जो रियर डेल्टा आपका किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें कंबाइंड वर्कआउट हो जाता है आपके रियर डेल्टॉइड जिस तरीके से आप करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और ट्रेपिज्म का एक ट्रैप्स कनेक्टेड होते हैं मसल्स के साथ में, तो बहुत ज्यादा थ्योरिकल बात हो जाएगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट फेस पुल विद शख्स। अभी मिलते हैं थर्ड एंड लास्ट वर्कआउट। अब बारी है भाई तीसरे वर्कआउट की, और तीसरा वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है। इसके साथ हम लेंगे साइड, और साइड के साथ लेंगे फ्रंट, तो ये तीनों का दोनों का एक कंबाइंड बनाना है, और तीन वर्कआउट है बहुत बेस्ट टॉप सीक्रेट 3D लुक के लिए। तो अभी करते हैं हम साइड रेज, और साइड रेज के अंदर में पीछे हाथ करने हैं, बैक आर्च करनी है, चेस्ट अप, इनहेल करके विद फर्स्ट हैंड, नाउ विद सेकेंड हैंड। तो इस तरीके से आपको करना है, ये साइड रेज का पोस्चर रखना है, थोड़ा सा पीछे हो गए, 1, 2, कोनी ऊपर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, और इसके साथ मिलेंगे हम फ्रंट रेज। मिलते हैं फ्रंट रेज में। साइड रेज के साथ में जब आप साइड रेज करते हैं तो साइड डेल्टॉइड आपके बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और मसल ट्रेन होती है बहुत बेस्ट, वो जो 3D लुक आता है वो उसी से आता है। और उसके साथ फ्रंट रेज को करना ना भूलें आप, लिटिल थोड़ा सा बैंड, चेस्ट अप, कर्व करना है, एक आर्च बनाना है बैक में, एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप। अब यहाँ ऐसे खींचना नहीं है, उस खींचने से सिर्फ आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। होल्ड स्लोली डाउन, होल्ड। इसको आप हैमर ग्रिप से भी ले सकते हो, या फिर हैमर चेंज कर सकते हो बीच बीच में, वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो आज के ब्लॉग के अंदर मैंने आपको टॉप 3 सीक्रेट्स जो प्रोफेशनल्स के होते हैं वो शेयर किए हैं। इसको आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करें इफ यू वांट टू गेन अ लीन लुक 3D लुक शोल्डर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मोटिवेशनल ब्लॉग्स के लिए, फिटनेस वीडियोज के लिए हमारा चैनल है। और भाई सुनो, वो छूट देखो कितना कर रही है। अरे भाई सुनो मेरी बात, लोहे तो कुश्ती लड़ना आ रहे हो मेरे भाई, मजाक ना से पाड़ बगावे की बैन के भाई सा सुनो मेरी बात, ये देखो कैसे ऊपर खड़े होके शूट हो रहा है। भाई